जिसने हमें जन्म दिया है, जन्म देने वाली को हमने मां कहा है, जीवन देने वाली को भी हमने मां कहा है, पालने वाली को भी हमने मां कहा है। मां को हमने जननी के रूप में हमने देखा है। मां ने सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, मां संस्कार भी देती है। खासकर सनातन हिंदू संस्कृति में ये मान्यता है कि जब ये नश्वर शरीर जो है छूटता है तो एक संस्कार होता है, एक जन्म का भी संस्कार है, एक जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार बताए गए। आखिरी का जो अंतिम संस्कार होता है उसमें इस स्थूल शरीर को, इस नश्वर शरीर को अग्नि के सुपुर्द, उस तत्व के सुपुर्द किया जाता है, जल के सुपुर्द किया जाता है, मिट्टी के सुपुर्द किया जाता है, संस्कार है। आज जब चिंतन हुआ कि माँ हम पांचवी परिक्रमा से हम पूर्ण करके जब हम ज्वालीपुरम में पहुंचे और बार बार माँ का चेहरा ध्यान आ रहा था, मुझे चित्त के अंदर ये लग रहा था कि माँ क्यों याद कर रही है, माँ बहुत पीड़ा में थी। हमने अपने जीवन में जननी से लेके धरा से लेके पालने वाली से लेके, ये हमारा गुरु है और हमने हर एक माँ को जो और उसकी पीड़ा को देखते देखते हमारा ये आज हम इस स्थिति में आ गए कि हम वैराग्य और संन्यास को माँ की पीड़ा को देखते देखते और माँ को देखते देखते हम इस अवस्था और इस स्थिति पर पहुंच गए। जब हम उस पालने वाली बार बार अक्स सामने आ रहा था, हम परिवार से बोल रहे थे कि नहीं माँ याद कर रही है, चलो जीवन दायिनी की उस मां नर्मदा की परिक्रमा के बाद जननी के पास चलते हैं, वो क्यों याद कर रही है। और पांचवी परिक्रमा के बाद जब हम जननी के उस दर्शन के लिए हम गांव में गए और हमने पूछा कि नहीं इस समय अम्मा किधर है, तो जानकारी लगी कि वो परिवार गांव में गया और 12-13 घंटे पहले इस स्थूल शरीर को छोड़ने से पहले हमने जननी के साथ संवाद किया। हमने माँ से बोला कि जो तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या देखना चाहते हो, तुम क्या खाना चाहते हो, तुम कैसा देखना चाहते हो, तो वो 12-13 घंटे पहले से उस पीड़ा से करा रही उस जननी ने कहा कि जो जिस काम के लिए तू निकला है उस काम को पूरा करता है। और फिर उसने नर्मदा के जल को पहली बार जीवन में, उस जननी ने हमसे नर्मदा के जल को मांगा और उस नर्मदा के जल को हमने उसको पान कराया और 13 घंटे के बाद उस जननी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, स्थूल शरीर को छोड़ दिया। फिर इसके बाद संदेश आता है कि नहीं गांव में वो संस्कार माँ का हो रहा है, तुम्हें फिर गया कि नहीं, जिस माँ ने उस पालने वाली के लिए, उस धरा के लिए, धेनु के लिए, नर्मदा के लिए जो 13 घंटे पहले कहा कि नहीं जिस काम के लिए तू निकला है उस काम को करना, अब उसी के द्वार पर उस जननी का संस्कार होगा। हम पुनः हम गाँव गए और गाँव से जो है माँ के उस पार्थिव शरीर को हम इसी माँ नर्मदा के द्वार पर लेकर आए और अग्नि संस्कार हुआ। अग्नि संस्कार के बाद 3 दिन के बाद एक प्रक्रिया होती है खारी विसर्जन की, अस्थि विसर्जन की। मैंने कहा विसर्जन हमारी परंपरा नहीं, हम मातृ का, पितृ का, देव का विसर्जन नहीं करते, कारण मातृ पक्ष, पितृ पक्ष और देव पक्ष सृजन का आधार है, विसर्जन का नहीं। और हमने उस समय पर
परिवार को दिशा निर्देश दिया कि जो सनातनी परंपरा है उस परंपरा का परिवार निर्वहन करे और पांच मुट्ठी उस भस्म को जो है वो मां नर्मदा के जल में जो है वो समर्पित करे। कारण मां नर्मदा के जल में वो अस्थि और थारी का जब विसर्जन होता है तो वो अस्थियां कालांतर में वो पाषाण हो जाएंगे, माँ भी वो शिवमयी और प्रकृतिमयी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो परंपरा एक और डाली की नई चित्त के अंदर था कि नहीं, जिस माँ को हमने देखा है उस माँ तो वो प्रकृति के रूप में है, वो प्रकृति में फिर से कैसे उसका पुनर्भाव उसका पुनर्जागरण होगा और ये देश और दुनिया में एक परंपरा कैसे बनाए। तो बाकी की वो विसर्जन की क्रिया में जो खारी का भस्म माँ की भस्म थी उस भस्म को मैंने रख लिया और तिलवारा के इसी से स्नेह रंग्रह में उस सोमवती अमावस्या को नर्मदा की उस पवित्र मिट्टी के साथ और गौमय की उस खाद के साथ मैंने उस भस्म को इसी स्नेह रंग्रह में जो है वो अपने हाथों से मिलाया। और जैसे कि माँ अपने गर्भ में धारण करती है उस जीव को, वैसे ही हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, हमने गुरु गोरक्षनाथ का एक सत्य घटना है कि गुरु ने जो है उस गोबर की खाद में भस्म को डाल दिया, अपने मूर्तियों को अपने अपने उस भाव से समर्पण से 1,25,000 मूर्तियों को प्रकट करेंगे और इसी मां नर्मदा के तट और गांव नगर में उन मूर्तियों की स्थापना करेंगे। मातृपक्ष पितृपक्ष देवपक्ष की स्मृति में कोई मूर्ति का अनावरण करता है, कोई चबूतरा बनाता है, कोई जो है वो एक मातृ पितृ की स्मृति में कोई मठ और चबूतरे को बनाता है, कोई मूर्ति रखता है चौराहे और तिराहे। हम परिवार से सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आज वो करना पड़ेगा और मातृ पक्ष को पितृ पक्ष को फिर से उस प्रकृति स्वरूप में उन देव वृक्ष मूर्तियों में मातृ पितृ और देव पक्ष को हमें देखना आरंभ करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी मातृ पितृ और देव पक्ष के प्रति समर्पित करेंगे। और ये हम बार बार घर परिवार से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार हम माता पितरों की संतुष्टि के लिए जो है वो विसर्जन की क्रिया करते हैं, अब वो सृजन की क्रिया बना ले। आज मैंने कुछ भस्म को पूरी भस्म को जो है उस मिट्टी में मिलाया और आज एक एक बीज जो है जैसे माँ गर्भ में बीज को धारण करती है, आज उस माँ के ही भस्म और मिट्टी में जो है वो एक हम अपने जीवन का वो कि हम फिर से बीजारोपण उस देववंश का करेंगे और इसी बीज से जो है फिर से अपनी माँ को उस प्रकृति स्वरूप उस देव वृक्ष मूर्तियों में हम फिर से प्रकट कर ले। पितृ पक्ष देव पक्ष को जो है संतुष्ट करेगा तो आज उसी भस्म को जो है हमने मिट्टी में मिलाया है और उसी मिट्टी से और उसी पानी से जो है आज देश दुनिया में मिट्टी और पानी की ही बचाने का है। यदि हमने अपनी माटी को बचा लिया पानी को बचा लिया तो मुझे लगता है ये सच्ची आस्था और श्रद्धा मातृ पितृ देव पक्ष के प्रति होगी। ये नर्मदा के तट वो नर्मदा मैया की जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम मां 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 जय ओम जय जय ओम जय ओम जय ओम
जय ओम जय ओम।